बढ़ते वाहन और उनसे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए सेक्टर 6 स्थित प्रताप पब्लिक स्कूल में राहगीरी कार्यक्रम कराया गया। ये कार्यक्रम प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण करनाल की ओर से कराया गया है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस व शिक्षा जैसे सहयोगी विभागों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में विद्यार्थी तथा ग्रामीण व शहरी नागरिकों ने भाग लिया। इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप तथा उपायुक्त करनाल निशांत कुमार यादव ने कार्यक्रम में जाकर बच्चों व दर्शकों का उत्साहवर्धन किया। बहुआयामी कार्यक्रम में सभी के लिए कुछ ना कुछ मनोरंजन प्रद गतिविधियों को शामिल करने के साथ साथ एक बड़ा सांस्कृतिक मंच भी बनाया गया था। यह पहला मौका है जब सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सप्ताह की बजाय राष्ट्रीय स्तर पर आगामी 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा मास मनाने का निर्णय लिया गया है। इससे इस विषय का महत्व और बढ़ जाता है। विधायक राम कुमार कश्यप ने बताया कि देश में हर साल 5.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती है, इनमें से 1.5 लाख व्यक्ति मौके पर ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। सड़क दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति के परिवार की क्षति को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन यदि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कर सावधानी बरती जाए तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे नगरों की सीमा में प्रवेश करते ही सीट बेल्ट, हेलमेट जैसे नियम याद आ जाते हैं, अन्यथा चालान भुगतना पड़ता है, लेकिन प्रदेश के दूसरे शहरों में ऐसा नहीं, ये खेद की बात है। अच्छा हो यदि सभी शहरों में चंडीगढ़ और दिल्ली की तरह यातायात नियमों का खौफ हो जाए। हालांकि इसके लिए कानून और जुर्माना पहले से सख्त हो गए हैं। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि विकसित देशों में सड़क के लिए बनाए गए नियमों का 100% पालन किया जाता है। यही नहीं, वहां कम उम्र में ही बच्चों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जाता है, इससे बड़े होकर वे सफल, सुसभ्य और आदर्श नागरिक बनते हैं। हमें भी स्कूली अवस्था से ही विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा की जानकारी देनी चाहिए। उन्हें यातायात नियमों के लिए बनाए गए सभी चिन्ह और उनका क्या मतलब है, इस बात का ज्ञान होना चाहिए। कार्यक्रम में HSBP के EO प्रद्युमन सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी राजपाल चौधरी, जिला परियोजना अधिकारी सपना जैन, RTA इंस्पेक्टर जोगिंद्र ढुल, प्रताप पब्लिक स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर पूजा वालिया आदि मौजूद रहे। से शुरू कर दिया था और ये 17 फरवरी तक चलेगा और तकरीबन रोज ही हमारे ऑफिस की RTA करनाल की टीम कहीं ना कहीं कोई ना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है और आज का जो राहगीरी का इवेंट है वो सबसे बड़े प्रोग्राम्स में से एक है इस महीने के। और आज 1 फरवरी है और कल्पना चावला की पुण्यतिथि भी है और करनाल के लिए चूंकि वो बहुत ही उनके जो है इतिहास का हिस्सा होना करनाल के लिए बहुत ही गौरवमय क्षण है, तो हमने आज की जो अपना प्रोग्राम है वो उन्हें डेडिकेट किया है। और साथ में हम ये चाहेंगे कि यहाँ हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं, बहुत सारे स्किट्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने इस थीम पे रखे हुए हैं और हम ये चाहेंगे कि जो भी आए, जब जब उनकी जहन में वो इस राहगीरी को याद करें, तो साथ ही हमारा जो थीम टैग है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, उसको भी उन्हें बार बार याद आए। तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन भी कराए जा रहे हैं। हाँ जी, काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, मेहंदी कॉम्पिटिशन है, स्लोगन एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन है, इसके अलावा हमारी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, डांस है, स्किट्स है, स्पीचेस हैं, सॉन्ग्स हैं, सभी में हमने कॉम्पिटिशन्स रखे हैं। इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स काफ़ी हो रहे हैं यहाँ पर, हमारी खो खो है, कबड्डी है, टेनिस का है, मटका रेस है, टग ऑफ वॉर है, ये सभी जो है इनमें कॉम्पिटिशन्स होंगे। मेरे ख्याल में मुझे तो लग रहा है कि तकरीबन 20-25 से ऊपर स्कूल है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो सिटीजन्स यहाँ आ रहे हैं, आप देख रहे हैं चारों तरफ यहाँ काफ़ी लोग हैं इस वक्त, तो हम ये प्रसिद्ध है और आज जो ये नेशनल रोड सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा है, इससे पहले जो सेफ्टी वीक मनाया जाता था, केवल ये पूरे महीने का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये मैं इसके लिए ADC मैम यानी कि RTA मैडम को और उनके पूरे स्टाफ को बधाई देना चाहूँगा। और इतने सुंदर तरीके से जो पिछले लगभग 15 दिन से कार्यक्रम चल रहा है और आने वाली 17 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा और आज का जो ये यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है और ये अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम है। जैसा कि अभी मेयर मैडम बता रही थी कि बच्चों ने कोविड के दौरान केवल घरों में ही ऑनलाइन शिक्षा ली और आज बड़े दिन बाद, क्योंकि वैसे भी आज 6th ऑनवर्ड स्कूल खुले हैं, उसके लिए भी मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूं कि बच्चों जो ऑनलाइन से बाहर आकर और फिजिकली स्कूल में जाकर जो शिक्षा ग्रहण करेंगे। और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं,
चाहे रोड सेफ्टी का हो, बच्चे खेल खेल में जो बचपन में जो आज से उन बच्चों ने 15 साल पहले जो गेम खेले थे, चाहे गोली का खेल हो, कंचों का खेल हो, सांप सीढ़ी का खेल हो, विभिन्न प्रकार के जो खेलों का जो आयोजन किया गया, एक बार तो जो हमारे को भी अपने बचपन की याद आ गई, ऐसे यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं, उसके लिए मैं विशेष रूप से ADC मैडम का, योगेंद्र जी का, उनके सारे स्टाफ का, विशेष तौर पे DO साहब का, राजन जी का, और सभी जो स्कूलों का जो सहयोग हो रहा है, और करनाल वासियों का और मीडिया के सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना सुंदर जो आयोजन किया है, उसके लिए एक बार फिर सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज पूरे देश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसमें आज करनाल में एक राहगिरी के द्वारा, और राहगिरी भी स्कूल के बच्चे जिसमें बहुत एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इसके साथ साथ अपने एक्सप्रेशंस के साथ साथ वो अपने जीवन को आगे सुरक्षित रखने के लिए एक थीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहीं पेंटिंग के द्वारा, कहीं किसी उसके विज़न के द्वारा दिखाया है कि ज़िंदगी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये पूरे प्रदेश में हो रहा है। आज करनाल में मुझे बहुत अच्छा लगा, चाहे राहगिरी में बच्चों ने अपने आप को इस वैश्विक महामारी के दौरान में बंद भी रखा था, तो जहां स्कूल शुरू हो रहे हैं उनके एक्सप्रेशंस भी बाहर निकल कर आ रहे हैं, जिनके द्वारा आज राहगिरी को यहां सेक्टर 6 में मनाया जा रहा है। पूरी टीम जो RTA की पूरी टीम है, ADC मैडम है, मैं उनको बधाई देना चाहूँगी, विशेष तौर पर स्कूल के सभी बच्चों को, स्कूल की पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगी कि बच्चों को इस तरह से निखारा गया है कि आने वाली ज़िंदगी उनकी कितनी सुरक्षित है, जब वो सड़क पे चले तो इन सारे नियमों को ध्यान में रखे ताकि उनकी ज़िंदगी तो बचे ही बचे, साथ में वो किसी और की भी ज़िंदगी को बचा सके। बचपन की यादें ताज़ा की आज हाँ बहुत सारे खेल, चाहे वो कंचे हैं, चाहे स्टापू है, जो हम बचपन में खेलते थे उन्हें आज खेलकर बच्चों के साथ क्या ऐसा लगा जैसे अपना ही बचपन वापस आ रहा है, और उसने मुझे बच्चों के साथ साथ एक विशेष खुशी की अनुभूति हुई, उसके लिए मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.